बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अपने दमदार डायलॉग, शानदार अभिनय और सरल व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा जगत पर राज करने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की आज जन्म जयंती है। 29 दिसंबर साल 1942 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना ने दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया। खन्ना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से की थी। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में 180 से ज्यादा फिल्में की। राजेश इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आनंद, आराधना, अमर प्रेम, दो रास्ते, इत्तेफाक, डॉली, औरत उनकी बेहतरीन फिल्मों में से है। इसी के साथ 29 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्ने में आईडिया ऑफ पाकिस्तान के रूप में दर्ज है। 29 दिसंबर साल 1930 में आज के ही दिन मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल ने एक भाषण दिया था जिसे आज पाकिस्तान में आइडिया ऑफ पाकिस्तान के रूप में पढ़ाया जाता है। मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषण में कहा था कि मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंधु और बलूचिस्तान को एक संयुक्त राज्य के रूप में देखना चाहता हूँ, ब्रिटिश राज के तहत या फिर उसके बिना भी एक खुद मुख्तार नॉर्थ वेस्ट भारतीय मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों का आखिरी मुस्तकबिल है। इतिहास के तीसरे अंश में बात चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत की करेंगे। 29 दिसंबर साल 1984 में आज के ही दिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 508 सीटों में से 401 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने भले ही यह चुनाव भ्रष्टाचार हटाने के मुद्दे पर लड़ा था लेकिन पार्टी की नैया सहानुभूति की लहर पर सवार होकर चुनावी नदी को पार कर गई। दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों के द्वारा हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दो महीने बाद जब आम चुनाव हुए तो देश की जनता ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि स्वरूप कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था।